पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो। और शंकर में वास्ट डिफरेंट, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु में थोड़ा थोड़ा अंतर है। सब संपन्न हो जाएंगे, वो अंतर भी खत्म हो जाएगा। हाँ जी, ब्रह्मा बाप और वेदांत जो है, तो ब्रह्मा कब बनेगी? ऐसा ही मेरा प्रश्न, ब्रह्मा कब बनेगी?
ये मतलब नहीं है। तीनों मूर्तियों में एक आत्मा में लव और ला का बैलेंस है और ब्रह्मा में लव लव ज्यादा है, लेकिन ला रस को नहीं देखते, उठाते नहीं, इसलिए गोचा खा जाते हैं और खा गए, हाथ फेल हो गया। लेकिन जो विष्णु का पाठधारी है उसका हार्ट फेल, हार्ट फेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि धर्म और राज्य दोनों को साथ साथ लेकर के चलना है। इसलिए तो जो ब्रह्मा है, चाहे वो ओरिजिनल ब्रह्मा हो और चाहे वो टाइटलधारी ब्रह्मा हो, दोनों को क्या बनना है? ब्रह्मा तो विष्णु समान बनना है। माने कोई कमी है वो पूर्ति होनी है, तो वो पूर्ति हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे? विष्णु हो जाएंगे। ब्रह्मा और विष्णु में फाइनल स्टेज में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए जो ब्रह्मा है तो विष्णु है। और तो एक मूर्ति तो ये हो गई, हुई कि नहीं? और दूसरी मूर्ति बाप, और तीसरी मूर्ति अम्मा, और बाप के बाद क्या आता है? बच्ची आती, कौन सी बच्ची? जगदम्बा को क्या कहते हैं? जगदम्बा बाप की बच्ची है। जैसे माया बेटी है वैसे जगदम्बा भी बच्ची, उसको बेटी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? जगदम्बा बेटी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? माया बच्ची, बेबी बुद्धि है। माना माया तो बड़ी बुद्धि है, बेटी इधर आओ है? उसको बच्ची कहते हैं, उसको बेटी कहते हैं, तो वो बड़ी बुद्धि वाली है कौन? माया। और वो बच्चा बुद्धि है, बेबी। पहले बुद्धि से सरेंडर कौन होगी? क्यों? जगदम्बा पहले नहीं बुद्धि से सरेंडर होगी है? क्यों जगदम्बा क्यों नहीं सरेंडर होगी है? है? अम्मा है, है? अच्छा, और त्रासी में, और संतरासी में बच्ची है, इसलिए इसलिए सरेंडर हो गई है। ये क्या बात हुई? माया सरेंडर नहीं हुई थी त्रासी में है? तो फिर पावरफुल सर्वशक्तिमान का टाइटल किसको मिलना चाहिए? जगदम्बा को मिलना चाहिए या माया को मिलना चाहिए? माया क्यों मिलना चाहिए? जो जितना अर्पण में होता है उतना दर्पण, ज्ञान दर्पण कैसा बन जाता है? पावरफुल बन जाता है। और जो जितना ज्ञानी होगा उतना बड़ा कहा जाएगा। परिवार में कैसे पता चलेगा कौन बड़ा कौन छोटा? ज्ञान के आधार पर पता चलता है, वो भी धारणा में ज्ञान होना चाहिए। क्या सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं, प्रैक्टिकल धारणा में ये साबित हो कि ये ज्ञानवान है, फिर तो रावण का ज्ञान हो जाता है। माया तो पहला सरेंडर होती है, माया बुद्धि से पहले सरेंडर होती है, और आत्माएं सरेंडर तो होती है लेकिन बुद्धि से, बुद्धि से सरेंडर, बुद्धि से सरेंडर होना बहुत बड़ी बात है। बुद्धि ही सरेंडर हो गई कुएं में कूद पड़ो तो बुद्धि में बात तो आएगी, कुएं में जान निकल जाएगी, कैसे कूद पड़े? तो थोड़ा झिझकेगा, लेकिन बुद्धि सरेंडर कर दी माना ये सोचेगा नहीं, जो कहा तो करना है। माना भेड़ बुद्धि, भेड़ बकरी को बुद्धि होती है कि नहीं है? भेड़ बकरी को बुद्धि होती नहीं। तो बुद्धिमान बच्चा अच्छा है, भेड़ बकरी बनना अच्छा है? बुद्धिमान अच्छा है या भेड़ बकरी बनना अच्छा है? बुद्धिमान अच्छा है,
हाँ बाबा को पहचान करके भेड़ बकरी बनने की बात ही नहीं, बाबा को पहचान दिया और फिर सरेंडर हो जाना। पहचाने बगैर सरेंडर हो गए, पीछे पीछे चल पड़े, जाना नहीं पहचाना नहीं और पीछे पीछे चल पड़े, तो वो तो बुद्धि का सरेंडर होना ठीक नहीं। और बोलो बोलो, अष्टदेव में लाभ और केतु कौन है? अष्टदेव में लाभ और केतु, अष्टदेव में पता नहीं, नवग्रह में दिखाते हैं ना वो अष्टदेव, या अष्टरथ में पता नहीं। और राहु को भी देवता बना दिया, राहु देव तो राक्षसों की लाइन में बैठ, वो राक्षस थे आकर देवताओं की लाइन में बैठ गए, उससे कोई देवता थोड़े बन जाते हैं। ये बात नहीं बची। हाँ जी, राहु तो आ ही नहीं सकता। तिरासी में बाबा ने अव्यक्त वाणी में बोला, तिरासी में तेरा होना चाहिए ना, अब तेरा होना चाहिए तो कोई परसेंटेज में तो कहा ही जाएगा कि हाँ तेरा हुए, माना कोई किसी का सहयोगी बनता है तो जितना सहयोगी बनता है उतना योगी कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा? योगी सो सहयोगी, सहयोगी सो योगी, जो जितना सहयोगी बनता है उतना योगी है। तन से सहयोगी बनता है, माने तन अर्पण किया, तन अर्पण किया तो मन कुछ न कुछ जाएगा कि नहीं, जहां तन अर्पण किया और धन अर्पण किया, तो जहां धन अर्पण किया है वहां मन जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। आदि में राम फेल हो गया, हाँ। अब फेल हो गए, कब एक दिन में आ गया के तब चल गया, एक दिन राम राम आदि में फेल हो गया, फेल हो गया, कब चल गया एक दिन छोड़ करके, ये भी आदि तो बता रहे, आदि में चला गया, कब एक दिन में आएगा, कब आएगा, कब यज्ञ में आया यही पता नहीं चला है? सारी एडवांस नॉलेज ले लेके खत्म करते हैं, यही पता नहीं चला क्यों, ज्ञान में कब आया है? 2002 में ज्ञान में आया, एडवांस ज्ञान आपकी बात, आप राम की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, हैं? किसकी बात कर रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, राम के बात, राम की बात कर रहे हैं, आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं। तो राम कब ज्ञान में आया पता ही नहीं चला, पता है फिर क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, और शमशान घाट में जब जाते हैं तो जब शरीर जलने लगता है, जल जाता है, तो सबसे मजबूत होता है खोपड़ा, माने बुद्धि से सरेंडर होना थोड़ा बड़ी बात है, सारा शरीर सारा देह भाव तो जल जाता है लेकिन बुद्धि जल भुन के राख नहीं हो पाती, तो क्या करते हैं वहाँ उत्तर भारत में लट रखते हैं, ले जाते हैं, धार से मारते हैं खोपड़े में, तो खोपड़ा फट जाता है। जो अभी तक बट्टी में बट्टी की हुई है ये सब नवलख में आएंगे या नहीं, उनका भी फिल्ट्रेशन होता है? बट्टी किए हुए जो बाप के घर में पहुंचे हैं और वास्तव में बट्टी की है, एक तो बट्टी करने वाले ऐसे भी पहुंचे हैं, यार देख रहे हैं क्या होता है, तो चेकिंग करने के लिए पहुंचे हैं वास्तव में, ओ पहुंचे नहीं, कोई ऐसे हैं जो वास्तव में उन्होंने बट्टी की, श्रद्धा विश्वास निश्चय बैठ गया, तो जिनका श्रद्धा विश्वास निश्चय बैठ गया माने बच्चे बाप के बन गए, पैदा हो गए, तो जो एक बार बाप के बच्चे बन गए, बाबा मान लिया स्वीकार, तो वो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेंगे? कम से कम कितने भर्ती करेंगे, बाप के बच्चे कितने बनेंगे कम से कम?
उसको आठ बनेंगे, बस दो लाख बनेंगे, बस साढ़े चार लाख बाप के बच्चे बनेंगे, साढ़े चार लाख को बत्ती करनी ही है। कहेंगे इतना कंपल को छोटा सा मकान, सुनो साढ़े चार लाख कैसे आवेंगे। हाँ जी हाँ जी, कंपल में बच्चे होगा, मोटर में भी बच्चे होगा, दोनों में फर्क क्या बाबा? वो तो पुरुषार्थ का फर्क है, माउंट आबू में जाकर के भी अपना पुरुषार्थ जो है तीखा हो सकता है किसी का, और किसी का धीमा हो सकता है। कंपिल में जाकर के भी कोई का पुरुषार्थ पुष्करणी ब्राह्मण का हो, धक्का दे करके भक्ति करने चला गया हो, और कोई अपनी उमंग उत्साह से समझ करके पहचान करके गए हो, वो तो जरूर आगे जा भी। काम का कोई है, काम के लिए कोई महत्व नहीं है, काम काम महत्व नहीं, स्थान का भी महत्व है लेकिन व्यक्ति का ज्यादा महत्व है। व्यक्ति चैतन्य है, स्थान जड़ है। जो फेल हो जाते हैं वे क्षत्रिय होंगे, वो कितना जन्म लेंगे? पूरा चौरासी जन्म नहीं ले सकते। क्षत्रिय में आने वाली ऐसी कौन सी आत्मा होगी जो फेल नहीं होगी पुरुषार्थी जीवन में? कोई होगी जो त्रेता में जाके चंद्रवंशी न बने? माया से फेल तो सब होते हैं। जब बाप ही फेल हो गया, माया से हार खा गया, तो बच्चों की ये गारंटी हो जाएगी कि बच्चे पास हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? माने फेल तो सब होते हैं लेकिन हाँ आगे पीछे की बात है। कोई पहले फेल होते हैं बाद में अनुभवी बन जाते हैं, और कोई लास्ट एग्जाम में फाइनल पेपर में फेल हो जाते हैं तो वो नीचा पद पा लेते हैं। जो फेल होंगे उनका जन्म तो कम हो जाएगा ना। हाँ जी, अभी आधी आयु में बच्चे पैदा होंगे, छोटे छोटे उम्र वाले भी है ना, जानने से एडवांस में चल रहे हैं। 2036 तक तो उनको तो आधा आयु मना, 75 होना चाहिए ना, अभी कोई कोई का छोटा उम्र वाले भी है। छोटा उम्र मान कोई कोई की उम्र कम होता है। कम माने कितनी? अभी अभी ध्यान में कम से कम बता दो, कम ऐसा यहाँ भी ध्यान में चलते। 25 बहुत बता दू, 10 साल 5 साल, तो अभी 10 साल के जो हैं वो जब 2036 होगा तो कितने साल के हो जाएंगे? हैं 40 साल के हो जाएंगे। उम्र पीछे जन्म का ऐड होता है। अरे जो योगी होता है उसकी उम्र बढ़ती नहीं है, है? उम्र तो बढ़ेगी ना। हाँ, अभी तो 3-3 साल के बच्चे कितने तीखे होते हैं, 4-4 साल के बच्चे कंप्यूटर चला रहे हैं। हाँ बाबा, वो भी आ सकते हैं क्या? क्यों नहीं आ सकते हैं? अभी तो और आगे जन्म लेने वालों का भी चांस है, वो तो आ चुके हैं, जन्म ले चुके हैं, उनकी बात को छोड़ दो। और सभी धर्म पिता ये पहले पहले भारत में ही आएंगे या अपने अपने धर्म करने आएंगे? जब ऊपर जैसे इब्राहिम है, इब्राहिम 2500 साल पहले आया, तो 2500 साल पहले वो अरब खंड में आकर के टपकेगा परम धाम से, तो वहां तो कोई होगा ही नहीं, होगा कोई कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो वो किसमें प्रवेश करेगा? है? हाँ, इसलिए भारत में ही उसे प्रवेश करना पड़े। जहाँ भगवान आता है वहां धर्म पिताएं भगवान को फॉलो करते हैं, वो भी भगवान बन के बैठना चाहते हैं। है बाबा, सभी धर्म पिता ये
भारत में ही आते हैं या अलग अलग देशों में आते हैं? जो भी धर्म पिताए हैं उनमें से विशेष विशेष आत्माएं जो है वो सब भारत में ही आई है। इब्राहिम जो मुख्य है विदेशियों का विदर्मियों का वो ही भारत में आता है। महात्मा बुद्ध तो आते ही आते हैं। क्राइस्ट की रही बात, क्राइस्ट भी तो धर्म पिता ही है ना। मुसलमान जो पहले यहूदी थे हाँ तो उनमें से वो तो ये क्या नाम इस्लाम धर्म की बहुत सी पुस्तकों को एंजिल वगैरह को मानते रहे। ठीक है, आधार ही उनका वो ज्ञान था। बाद में क्रिश्चियंस आए। हाँ जी हाँ जी, क्राइस्ट के लिए देखना पड़े कृष्ण से राशि मिलाई जाती है क्या माना? क्राइस्ट की कृष्ण से राशि मिलाई जाती है। तो इब्राहिम का मेल किससे होगा? अरे अरे चेता में जो क्षत्रिय धर्म होता है उससे कौन सा धर्म जन्म लेता है? उसके बाद कौन सा धर्म आता है? सूर्यवंश से तो चंद्रवंश आता है। तो त्रेता में जो चंद्रवंश होता है उससे कौन सा धर्म जन्म लेता है? इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म मुसलमान वगैरह जो है वो अपना जो अपने झंडे में किस रूप को ऊपर रखते हैं? चंद्रमा को ऊपर रखते हैं। वो चंद्रमा को ऊपर रखते हैं और बौद्धी लोग नहीं, बौद्धी लोग किसको ऊपर रखते हैं? सूर्य को ऊपर रखते हैं। बौद्धी लोग अभी भी कहते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं। हाँ जापान तो पूरे में नक्शे में सबसे पूर्वी देश कौन सा गिना जाता है देखा जाता है? जापान सूर्योदय का देश। हाँ तो वहाँ सूर्य है, सूर्य रूप में सूर्य पहले उदय होता है, वो भी कहते हैं हमने सूर्य को पहले पहचाना। अरे उन्होंने कहाँ से पहचाना? सूर्यवंशियों ने पहले पहचाना होगा कि वो पहचान लेंगे, लेकिन विधर्मियों के बीच में वो अपने को आगे रखते हैं। वो चांद के ऊपर एक सितारा रखते हैं। हाँ ध्रुव तारा भी तो होना चाहिए। चंद्रमा कोई को तो विशेष पसंद करेगा। भीष्म पितामह इसने शादी ना की हो क्या? शादी बर्बादी करने के बाद तो पति होने का लाइसेंस मिल जाता है ना, फिर तो कोई उनको पति होने से रोक ही नहीं सकता। तो ऐसा जिसने शादी न की हो, बाकी भले सब कुछ किया हो लेकिन शादी बर्बादी न की हो ज्ञान में आने के बाद। यज्ञ के आदि में भी और जब एडवांस पार्टी की शुरुआत होती है उसमें भी जो भी चारों धर्म के जो चार बीज हैं, उनमें कोई होगा क्या? नहीं समझ में आया है? हाँ तो कोई ना कोई तो जरूर समझ में आएगा है? बताओ बताओ हूँ हाँ बताओ ले, ये पूछने वाला है वो तो जानता ही होगा है? नहीं पता, चलो झंडा नीचे गिरा दे। हाँ चलो विचार करो, अगले क्लास में बता देना। बाबा त्रेता और द्वापर का संगम है।
आगे से लेके पीछे तक कोई ना कोई जानता तो जरूर है, बताता नहीं है। है प्रजापिता, प्रजापिता शादी नहीं की, प्रजापिता तो सबका बीज है। जगदम्बा कहाँ से आ गई बताओ, है विचार बताए ना। शादी में क्या होता है, शादी चाहे कोर्ट मैरिज करो जाके और चाहे मंदिर में जाके शादी करो, वहाँ कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और वो इकट्ठे हुए लोग तस्दीक कर देते हैं, हाँ भाई हाँ ये दोनों साथ साथ जीवन बिताए, यही तो करते हैं। तो प्रजापिता से बढ़िया शादी तो और किसी की हुई नहीं। कितने निश्चय पत्र लिखे जाते हैं जगदम्बा और जगत पिता के, हैं? इतने ज्यादा लोग कोई तस्दीक कर सकते हैं किसी को? और आर्यसमाजी, आर्यसमाजी सबसे बड़ा क्या नाम भीष्म पितामह है, हैं? वो भी विनाश को पाए नाम बाबा, महाभारत के अंत में भीष्म पितामह है। लेकिन इच्छा मृत्यु और विनाश को पाने में बहुत अंतर है। इच्छा मृत्यु है, उसने आपने शरीर छोड़ने का रास्ता भी बता दिया, ऐसे ऐसे करो तब होगा। हाँ बताओ ना, हैं? हैं? बताओ भाई, हैं? आए कुछ लगता पीछे से वाइब्रेशन आ रहा है। हाँ इस्लाम धर्म का बीज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो सबसे मुखिया होता है कौरव गवर्नमेंट का। जो यादव और कौरव जब इकट्ठे हो गए लड़ाई लड़ने के लिए तो उनमें सबसे ज्यादा मान मर्तबा किसका था? भीष्म पितामह, माने सबसे पुराना है, उससे ज्यादा पुराना कोई भी धर्मीय में होता ही नहीं। नेता और द्वापर का संगम है ना, नेता और द्वापर का संगम, हाँ ड्रामा में हाँ अभी चल रहा है ना, त्रेता और द्वापर का संगम, तब वो विनाश होगा तो क्या नहीं? आधा विनाश होता है, पूरा विनाश नहीं होता, पूरी कलाएं खत्म थोड़े ही होती है, आधी कलाएं खत्म हो गई तो देवता से मनुष्य बन गए। पूरा भूल जाना है ना, है त्रेता का जो है, हाँ इसीलिए भूल जाते हैं तब पूरा, जैसे मृत्यु एक ऐसी ऐसा एक्सीडेंट है कि आदमी भूल जाता है सब कुछ, ऐसे ही विनाश भी एक ऐसा एक्सीडेंट है कि पिछली बातें सारी भूल जाती। तो द्वापर के आदि में त्रेता के अंत में जो अर्ध विनाश हुआ, बूढ़ोल आया तो ऊपर का नीचे चला गया, नीचे का बहुत कुछ ऊपर आ गया, सब भूल गए, थोड़े से रह गए जिनके द्वारा फिर शुरुआत। बाबा में पशु पक्षी होते हैं, संघ के रंग के आधार पर अभी से एक तोता होता पाल लीजिए, उसको संघ का रंग लगता रहेगा, योग बोल के वाइब्रेशन बनते हैं, तो जो वाइब्रेशन बनते हैं उन वाइब्रेशन का मनुष्य के वाइब्रेशन का असर दूसरे प्राणियों पर भी पड़ता है। वो प्राणी जो है पुरुषार्थ नहीं करते लेकिन वो वातावरण से स्वतः ही कन्वर्ट हो जाते, इसलिए मनुष्य सुधरता है तो पशु पक्षी प्राणी सब सुधर जाते हैं, और मनुष्य बिगड़ता है तो जो भी पशु पक्षी प्राणी है वो सब बिगड़ते हैं। जैसे जानवर में वो जंगल में रहने वाले जानवर पशु पक्षी और मनुष्य के साथ मनुष्य के वातावरण में पलने वाले जानवर, दोनों में ज्यादा बीमार कौन पड़ता है? मनुष्य, जो मनुष्य के संग में रहते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं, और जो खुले वातावरण में रहते हैं मनुष्य के वायुमंडल से दूर रहते हैं उनके ऊपर संकर रंग उतना बीमारियों को नहीं लगता है।
ऐसे यहाँ योग बल की बात है, मनुष्यों का योग बल, पशु पक्षी प्राणियों को, क्योंकि माउंट आबू तो ऐसा स्थान है जिसको जैन ग्रंथों में भी कहा है कि वो विनाश की चपेट से बाहर रहता है। आर्य समाजियों के ग्रंथों में भी ऐसे लिखा हुआ है कि जब नई सृष्टि की शुरुआत हुई तो पर्वतों की गुफाओं में से जोड़े निकले, जुगल जोड़े निकले, उनसे नई सृष्टि की शुरुआत हुई। अब कौन सा पर्वत था तो उन्होंने बताया नहीं, जैन ग्रंथों में बताया गया है अष्टापद पर्वत था। क्या? अष्टापद पर्वत, माना जिस पर्वत से अष्टदेव प्रसिद्ध होते हैं, जन्म लेते हैं, उनकी महिमा ये बताई गई है कि चार टांगे तो उनकी नीचे होती है, पेट के नीचे, और चार टांगे पीठ पे होती हैं, और दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं तो ऊपर की टांगों से दौड़ने लगते हैं। ब्रह्मा सोल के हमें प्रवेश करता है तो उनका शरीर होता है और आवाज बदलता है, है? तो प्रजापिता में ऐसा क्यों दिखाई नहीं देता, क्या विचार है? सूक्ष्म शरीर से जो आत्मा प्रवेश करती है, जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसका चेहरा मोहरा रंग रूप आवाज सब बदल जाता है, और बिंद्रूप स्टेज में जो आत्मा होती है प्रवेश करने वाली, तो उसका चेहरा मोहरा बदलता हुआ दिखाई नहीं। जैसे शिव ब्रह्मा में प्रवेश करते थे तो ब्रह्मा के चेहरे में कोई परिवर्तन नजर नहीं आता था, कब प्रवेश किया कब चला गया किसी को पता पड़ता नहीं था। और गुलजार आदि में आते हैं तो सबको पता पड़ जाता है, झटका भी लगता है। तो मनुष्य आत्मा की प्रवेशता में और बीजरूप स्टेज अर्थात सुप्रीम सोल की प्रवेशता में बहुत अंतर है। तो कुछ आत्माएं बीज रूप है और कुछ आत्माएं जन्म लेने वाली है, कुछ आत्माएं सृष्टि पर बाप का पार्ट बजाने वाली है और कुछ आत्माएं बच्चे का पार्ट बजाने वाली है। नई सृष्टि की शुरुआत होगी जब, तो जो बच्चे का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं उनमें देह भाव थोड़ा जास्ती होता है, क्योंकि देहधारी से जन्म लेती है, और उनको जो जन्म देने वाले बीज है वो सारी सृष्टि के पिता है। हाँ, पूर्वज जो बीज होते हैं उनमें ताकत ज्यादा होती है, तो जो ताकत होगा ताकतवर होगा उसके संग के रंग में आने से दूसरी आत्मा भी बीज रूप स्टेज में आ जाती है। जैसे ब्रह्मा की सोल है, राम वाली व्यक्तित्व में जब संग के रंग में आती है तो वो भी बीज रूप स्टेज को धारण कर लेती है, तो वो पता नहीं चलता कब आई और कब चली गई। इसलिए रुद्रमाला के मणके गाए हुए हैं, रुद्रमाला के मणके जो है वो रुद्राक्ष के मणके, किसी में एक मुख होता है, किसी में चार मुख, किसी में दो मुख, किसी में 14 मुख दिखाए जाते हैं, माने जितने प्रकार की सोल प्रवेश करती है उतने प्रकार की वो भाषा बोलती है। जो एक मुख का मणका होगा वो एक ही प्रकार की भाषा बोलेगा, तो उसको कहा जाएगा श्रीमत, और बाकी को फिर श्रीमत नहीं कहेंगे। बाबा मुरली में कह रहे थे पैखाना जाने से हम अपवित्र बन रहे हैं। हाँ जी, तो सत्युग में कैसा है? सत्युग में तो गैस की बीमारी नहीं होगी ना, और यहाँ तो वो गैस की बीमारी होती है, शरीर के अंदर मल इकट्ठा हो जाता है तो अंदर अंदर सड़ता रहता है, वहाँ इस तरह की बीमारी कोई होती नहीं, सड़ान की बात ही नहीं। वहाँ तो जो छिद्रों में से जो भी चीज निकलेगी वो सब सुगंधित होगी, क्या लैट्रिन भी सुगंधित होगी, उसमें भी कोई दुर्गंध नहीं आएगी, तो वहाँ अपवित्रता की कोई बात होती नहीं, और यहाँ तो पैदाइश भी अपवित्रता की होती है। इसलिए मनुष्य के शरीर में से जो भी निकलता है कचरा वो सब दुर्गंधित होता है।
इसलिए बोला है कि लैट्रिन जाने के बाद स्नान करना जरूरी है। बाबा है अगर बाप जाए चाहे तो जा सकते हैं, ऐसा वाक्य है बाप दादा दोनों। मगर कृष्ण अभी भी पैदा है ना, इसीलिए वो कैसे इतनी बात नहीं जानी अभी तक। बाप माने बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, पहले बाप कौन है? बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, वो भी तो आत्मा है, वो तो जा ही सकती है। हाँ। वो तो समझ में आ गया। अच्छा फिर उसका बड़ेला बच्चा कौन है? है? हाँ जो बहुत दादागिरी दिखाता है। प्रजापिता हुआ ना, वो तो आत्म किस चीज की बात हुई क्या? तो आत्माओं के बीच में वो है बाप और वो है दादा, वो चाहे तो बाप जा सकते हैं। कृष्ण के टोल के लिए यहाँ बात लागू नहीं होती है। हाँ। और संग दो तो रम, क्या बात है? अन्य दोस्तों हाँ बहुत आता है। हाँ कलयुग के अंत में संग दो भी बहुत लगता है और अन्य दोष भी बहुत लगता है। और 100% 100% प्योरिटी का क्या मतलब? क्या करना है? क्या अपनी भाषा में बताओ उनको, बात तक नहीं समझ में आया पूरा। अन्न दोष से और संग दोष से कैसे बचना चाहिए? तो नियम बताए हुए हैं कि अन्न दोष से बचने के लिए एक तो अपना कमाया मेहनत का कमाया हुआ खाना खाना है, किसी का भीख मांगा हुआ लेना ही नहीं है। दूसरे जो भी अन्न हम पकाएं वो हमारे हाथों का बना हुआ होगा तो जी बेस्ट, बहुत पावर देगा। और भिखारी लोग बनाएंगे तो संग का रंग जरूर लगेगा। और अच्छा अच्छा भोजन लेंगे सात्विक भोजन तो वो भी हमारी बुद्धि को सात्विक बनाएगा। और अगर ऐसा भोजन लिया जो काम विकार को बढ़ाने वाला है जैसे प्याज लहसुन वगैरह बताया तो बुद्धि जरूर खराब होगी। शराब का उपयोग करेंगे मांस मदिरा का उपयोग करेंगे तो बुद्धि जानवर जैसी बनेगी ना, जैसा अन्न वैसा मन। जानवरों का गोश्त खाएंगे जानवरों का खून पिएंगे तो बुद्धि कैसी बनेगी? जानवर जैसी बुद्धि बन जाएगी। तो संगदोष की भी बात की, जिनके साथ रहने से अवस्था नीचे गिर जाती हो उनका बुद्धि से बिल्कुल संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे रहते हुए नहीं रह रहे, उनको देखते हुए जैसे नहीं देखते, उनकी बातें सुनते हुए भी जैसे नहीं सुनते। थोड़ा थोड़ा काम करने के लिए सुन रहा हूँ, वो ठीक है। थोड़ा थोड़ा काम करने के लिए न्यूज को सुन रहा हूँ, लेकिन तो काम चाहिए उसके लिए थोड़ा न्यूज देखना पड़ता है। देखना रेडियो में सुनना या क्या पढ़ना ऐसा न्यूज पेपर जॉब के लिए? जॉब के लिए तो ठीक है, मना काम किया है कर सकता है। अरे बाबा ने कहा मना किया है कि तुम नौकरी करने के लिए धंधा करने के लिए तुम कंसल्ट न करो, ऐसी दुनिया है उसके हिसाब से चलना ही पड़ेगा। है पढ़ना हाँ वो ये चालाकी करते हैं या सब बोलते हैं चालाकी नहीं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ चालाकी। अच्छा वो तो कालम में ऊपर ही लिखा होता है, कालम से ही पता लग जाता है, फिर दिल आ जाती है ये भी देख लो। अच्छा ये अपने अपने ज्ञान के ऊपर है। ज्ञान अगर इतनी गहराई से है कि न्यूज़पेपर में जो भी बातें आती हैं उन बातों को ज्ञान से टैली करके समझ सकते हैं कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है
वो ज्ञान के ही अनुकूल हो रहा है। ज्ञान में ये भी शूटिंग हो रही है, वो शूटिंग से तालमेल अगर बुद्धि में बैठ सकता है तो पढ़ना ठीक है। अगर इतनी अकल नहीं है हाँ जी, क्योंकि अभी अज्ञातवाणी में बोल दिया ना इन्होंने, आदि में दीदी दादियों का श्रृंगार किया था, तो आज में किया था तो अंत में नहीं करेंगे। आज में किया, रास्ता बताया, उनको पढ़ाया लिखाया तो अंत में भी उनको रास्ता बताएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ऐसे तो वो एडवांस नॉलेज सुन नहीं रहे हैं, तो उसके लिए भी इशारा दे दिया पहले से ही। छोटी छोटी बच्चियां आजकल की निकली हुई ज्ञान में, बड़े बड़े धर्म गुरुओं को ज्ञान के बाण मारेंगे। वो जब तक जीवित रहेगा है? जब तक जीवित रहेगा तब तक अरे नहीं जीवित रहेंगी तो क्या अगला जन्म नहीं होता है? तब उनको पढ़ाई पढ़ा दी जाएगी, ये क्या बड़ी बात है? जो काम होना है वो तो होना ही है, और जो निमित्त जिस आत्मा को बनना है उसको बन रही है। पढ़ाई होता है, अभी होता है या नहीं होता है, लेकिन होना जरूर है। सेकंड नारायण कौन बनते हैं? सेकंड नारायण या थर्ड नारायण? सत्युग के सेकंड नारायण, सत्युग के सेकंड नारायण वही बनेंगे जो यहाँ शूटिंग पीरियड में मम्मा बाबा की गद्दी नसीन बने होंगे। यहाँ मम्मा बाबा की गद्दी नसीन कौन बने? मुरली में तो नहीं बोला क्या कि यहाँ बाप की गद्दी नसीन बनना है? मुरली में क्या बोला? यहाँ बाप के दिल तक नसीन बनना है, यहाँ बाप की गद्दी पर। यहाँ बाप की गद्दी नहीं होती, वो भक्ति मार्ग में होता है। एक गुरु चला जाता है तो एक गुरु चला गया, दूसरा जो चेला गद्दी पर बैठा वही गद्दी का मालिक हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये गुरु खत्म होने वाला नहीं है कि एक चेला जाएगा तो दूसरा गद्दी पर बैठ जाएगा। यहाँ तो एक ही सदगुरु है, जब तक पूरी सदगति ना हो जाए सारी दुनिया की तब तक ये सदगुरु हटने वाला नहीं है। तो कौन नारायण बनेगा? सेकंड नारायण कौन नारायणी बनेगा? ये बुद्धि में आ गया कि नहीं आ गया? दो चार बोल रहे हैं, सब नहीं बोल रहे हैं। बाबा आश्चर्य तो सभी डबल देती है या सिंगल भी देती है? मैंने तो यही बताया डबल में देती है, लेकिन उनमें एक तो स्वदेशी भी हो सकते हैं दो चार, ये क्या बड़ी बात है? अच्छा दुनिया के हिसाब से वो तो दुनिया की पूर्वज है ना, आश्चर्य तो सारी दुनिया के पूर्वज है, तो सारी दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से ही तो पूर्वज होंगे। आप सारी दुनिया में विदेशियों की संख्या ज्यादा है या स्वदेशियों की संख्या ज्यादा है? तो जब विदेशियों की संख्या ज्यादा है तो आश्चर्य भी ज्यादा कहाँ से होंगे? विदेशियों में से ही होंगे, और थोड़े बहुत स्वदेशी भी तो हैं, तो स्वदेशी भी होंगे, ऐसा थोड़े ही सारे ही विदेशी होंगे। है अष्टदेव के बारे में बहुत मंथन चल रहा है, ठीक अच्छा है, पुरुषों के बारे में मंथन चले। आपके दक्षिण भारत में तो उनके चित्र भी दिखाए जाते हैं, आपने चित्र नहीं देखे हैं? सीढ़ी में बताया गया अष्टदेव, अष्टदेव में बाप भी शामिल। हाँ तो जब है शामिल, आपने चित्र देखे हैं तो चरित्र भी हुआ, चित्र है तो चरित्र जारी भी होगा। वो देव नहीं, देव नहीं है, राक्षस पहले है। देव है ना, है राक्षस का रूप तो बाबा बताते हैं, दुनिया तो कोई उसको राक्षस का रूप बताती है, भक्ति मार्ग वाले उसको राक्षस के रूप में दिखा देते हैं, दाढ़ी मूछ वाला काला काला भुजंग, लेकिन वास्तव में तो भक्त लोग नहीं जानते हैं।
हैं। लेकिन दूरी को छोड़कर आठ दिखाते हैं नवग्रह में। अच्छा, पहले बाद में आठ। सूर्य जो है वो नक्षत्र नहीं है, सूर्य देवता नहीं है, तो फिर अरे वही सूर्य है, वो ज्ञान सूर्य है, जो त्रिनेत्री है वही तो ज्ञान सूर्य है, कोई दूसरा है। कैसे इसमें कह रहा है कि 16,108 भारतवर्ष और भारत के बच्चे हैं। बच्चे हैं का मतलब ये है कि राजाई के लिए पुरुषार्थ करने वाले भारतवासी हैं। बाप के बच्चे जो हैं वो ही होने चाहिए जो बाप से वर्षा लेते हैं। चलो ज्यादा नहीं, एक दो जन्म तो प्रिंस बने, राजाई घर में जन्म ले तो बाप के बच्चे हैं। बाप है राजयोग सिखाने वाला, तो बच्चे भी राजयोगी होना चाहिए, और राजयोगी होंगे तो कुछ न कुछ राजाई के हकदार, बाप के बच्चे के हकदार भी बने। इस आधार को बोला गया बाप, ऐसे तो बाप की प्रजा भी है, बाप के वारसदार बच्चे भी हैं, और बाप के भक्त भी हैं। क्या है? बाप के वारसदार भी हैं, माने माला में आने वाले भी हैं, बाप के हाँ बाप की प्रजा भी है। तो 4.5 लाख जो प्रजा बनेगी या 9 लाख भी जो प्रजा बनेगी वो आपके बाप के अंडर में डायरेक्ट चलेगी ना, प्रैक्टिकल चलेगी ना, इसी दुनिया की बात है ना। और फिर बाप के भक्त भी है, जो द्वापर युग में भक्ति होगी, एक की भक्ति होगी या अनेकों की भक्ति होगी, तो जो एक की भक्ति करने वाले उस समय होंगे वो सब बाप के भक्त हुए। फिर बाद में दूसरों दूसरों की भक्ति करने लग पड़ते हैं, लेकिन जो स्वयं संप्रदाय वाले होते हैं कोई हाँ वो सिर्फ एक कोई मानते हैं और किसी की भक्ति नहीं करते। बाबा अंत में कंपिल में 8,000 ही बचेंगे, ऐसे कैसेट में सुने हैं बाबा। क्या 8,000 कंपिल में 8,000 बचेंगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। अरे 8 भी बचे वो भी बहुत है, क्यों है? नई दुनिया शुरू होगी वो एकदम 8,000 से शुरू हो जाएगी या थोड़ा से तो शुरू होगी, है छोटा परिवार होगा। दिशाओं में है, दिशाओं में ईशान्य कोण बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी, ईशान में ईश्वर होगा, ईशान कोण में ईश्वर होगा, तो ईशान कोण को बहुत महत्व दिया है। हाँ जी, सूरज कहाँ से प्रत्यक्ष होता है? है है पूरब से भी पहले किधर होता है? पहले उत्तर से आता है पूरब में, या दक्षिण से पूरब में आता है, या पश्चिम से पूरब में आता है, पहले किधर होता है? अरे रात के 12 बजे से सूर्य उदय होता है, तो रात के 12 बजे कौन सी दिशा में होगा? उत्तर होगा ना, तो उत्तर और पूर्व से प्रत्यक्ष होता है, तो उत्तर पूर्व की दिशा जो है वो ईशान कोण कही जाती है। ईशान कोण इसलिए कही जाती है कि वहां से ईश्वर प्रत्यक्ष होता है। ईश्वर मन, ईश्वर मन है कौन सा देव? ईश्वर मन शिव बाबा, भगवान है, है। और ज्ञानी आत्मा उनका शूटिंग शुरू होता है, हैं? शूटिंग में आते हैं ना ज्ञानी आत्मा, उनका शूटिंग शुरू होता है संगम सीरियल में। हाँ जी, उसके आधार पर पार्ट करते हैं। हाँ? लौकिक वालों का पार्ट कैसे आधारित है? वो नहीं ज्ञान में आएंगे, लौकिक वाले ज्ञान में नहीं आएंगे, वो भी तो आएंगे ज्ञान में। ऐसी तो कोई आत्मा नहीं है जो बाप के बच्चे न बने,
एडम को तो सारी दुनिया मानेगी कि नहीं मानेगी? बाप के बच्चे बनेंगे या नहीं बनेंगे? हाँ जी। और बाबा 18 महारथियों का जो गायन है वो सूर्य से 9 और चंद्र से 9 है क्या? नहीं, कौरवों के महारथी है वो भी है और पांडवों के महारथी है वो भी महारथी है। सूर्यवंश से ही सारे थोड़े ही है। भीष्म पितामह भी तो महारथी थे। रावण कौन? मुरली में ही जवाब दे दिया। रावण कौन? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। शिव बाबा के पार्ट के अलावा जो जितने घड़े बना बना करके बैठते हैं, चाहे वो चंद्रवंश के घड़े हो, चाहे वो रामवंश के घड़े हो, घड़े माना संगठन, चाहे क्रिश्चियन वंश के घड़े हो, कोई भी प्रकार का घड़ेबंदी करते हैं वो घड़ेबंदी करने वाले उनके मुखिया क्या हुए? ये गुरु लोग जो अपनी अलग से पढ़ाई पढ़ाते हैं। और ये भी बोलते हैं, बताना नहीं क्योंकि लू कौन भरी हुई है। बाबा अभी कौन सा युग का शूटिंग चल रहा है? अभी सचिव तो नहीं शुरू हुआ, ये तो पक्का है कि नहीं है? सचिव तो शुरू हुआ नहीं अभी, ये स्वर्णिम सचिव शुरू हो गया है नहीं हुआ? तो कौन सी चीज नहीं चल रहा? कली की शुरू चल रहा है? कलयुग अंत में ही संगम शुरू होता है या पहले हो जाता है या बाद में होता है? सन 36 जब हुआ शुरू तो कलयुग का अंत हुआ ना। हाँ जी, इस्कॉन और ये सत्य साई बाबा है, सत्य साई बाबा हाँ, वो हम देखते हैं सभी लोग एकत्र करते हैं, वो भजन करते हैं हाँ, लेकिन प्रवचन का माने तो बहुत नहीं सुनते हैं हाँ, भजन सभी भजन करते हैं, कीर्तन ज्यादा करते हैं हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शिव बाबा जब शिव के रूप में परिपूर्ण रूप में संसार में सामने प्रत्यक्ष होगा तो उस समय बोल बोल ज्यादा नहीं होगा क्या? हाँ, वो ही सच्चा शिव बाबा का स्वरूप होगा। बोल बोल खराब उसका सदगुरु का रूप। हाँ जी, धर्मराज और सदगुरु का पार्ट दोनों अलग अलग है ना, एक के बाद एक होगा या एक ही? सदगुरु सच्चा गुरु, धर्मराज तो दंड देगा या गुरु बनेगा? धर्मराज सदगति करेगा या दुर्गति करेगा? ये बोलते हैं मेरे साथ धर्मराज भी है, मेरा राइट हैंड है धर्मराज। राइट हैंड क्यों बोला है? क्यों बोला राइट हैंड? अरे धर्म का राजा कौन है? धर्म का राजा ब्रह्मा बाबा की टोली धर्मराज बनती, जिसने बहुत प्यार दिया है इंतहा वो इंतहा मार भी तो लगाएगा, नहीं तो उसका हिसाब किताब कैसे पूरा होगा? इन बच्चों ने बहुत प्यार लिया और प्यार लेते हुए भी बहुत दुख दिया। किसको? मम्मा बाबा को। तो जो दुख दिया है उसका सगुना बोझा नहीं चढ़ा होगा, वो कब पूरा होगा और कौन पूरा करेगा और पूरा करने की निमित्त कौन बनेगा? है वही आत्मा बनेगी। ऐसा तो होता नहीं जो प्यार का सागर है, अगर वो प्यार का सागर न रहा होता तो मार भी देता, इसलिए मेरे साथ धर्मराज है। भाई दिखाई देते हैं हड्डी हड्डी तोड़ देगा बाबा। जब सोना आ जाएगा
सोना माने सच्चाई। हाँ अभी तो मोस्टली ज्यादातर झूठे बैठे हुए हैं, समझते हैं कि झूठे हैं? निश्चय पत्र लगने के बाद झूठे हैं कि सच्चे हैं? यहाँ बहुत लोग बैठे हुए हैं, रोज लोग बोल हैं। निश्चय पत्र में दो बातें बहुत आड़े आती हैं, एक तो प्योरिटी वाली बात आड़े आती है रुद्रमाला के सामने, और दूसरी श्रीमत पर चलने वाली बात। और सर्व को जानने वाला, क्या माना? ज्ञानी, क्या माना? ज्ञानी, सर्व माना सर्व, कुछ ऐसा ना हो जो जानता ना हो, जैसे सर्वज्ञ है। आगे मैंने है, आगे जो होता है ना वो लिख के रखा था, होता लिख के रखा होता है, बता देता है भगवान कब आएगा? नहीं वो नहीं तो सर्व की कहेगा, सर्व की मैंने सर्व कालों का जानने वाला, कब स्वर्ग आएगा कब नरक खत्म होगा सारी बात बताते ना। का तो सुख है तो उसको तुम बच्चे उसको हिरण नहीं कर सकते तो बताए सत्युग के सुखों की कल्पना कल्पना की जा सकती है, लेकिन वास्तव में सत्युग के सुख क्या थे उसको हम अभी अनुभव के आधार पर पूरा बता नहीं सकते किसी को। जैसे गूंगे का गुड़ और सांप ले आ, मैंने ले आई, जानती थी जी मेरे को भिखारी बनाता है, और बाप ने कहा है जो भिखारी है मेरी सभा में नहीं आना चाहिए, फिर भी मुझे लगाव लग गया ना, अटैचमेंट हो गया ना उस सांप से, तो उसके प्रति भी उसको बार बार रहम आता है, इसका भी कल्याण, इसने हमारा कितना कल्याण कर दिया। तो उसको बाबा के मना करने पर भी बाबा की सभा में सामने ले आती, पत्थर रूपी बन जाती। हाँ अरे पत्थर बुद्धि अभी ब्राह्मण परिवार में कौन दिखाई देता है जो सारा ज्ञान इतना क्लियर है, सारा ज्ञान जितना भी एडवांस पार्टी में निकल रहा है वो शुरुआत से लेकर के अंत तक सारा हैदराबाद में पहुंचाया जा रहा है। सबसे पहले जब शुरुआत हुई एडवांस नॉलेज की, जहां से भी शुरुआत हुई अहमदाबाद से कहो, तो शुरुआत से ही सारा बाबा के मुरली के डायरेक्शन के अनुसार पहले वहां भेजा गया, और तब से लेकर के अभी तक भी सारा वैसे चल जा रहा है। अभी स्पेशल ऑफिशियली नहीं भेजा जाता है, लेकिन कोई न कोई बच्चे हैं जो दोनों तरफ पांव रखे हुए हैं, वो यहाँ का उठा के ले जाके वहां सौंप देते हैं, तो जा रहा है लेकिन उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है, या समझो बुद्धि में बैठा हुआ भी है लेकिन मानने के लिए जैसे महाभारत में गांधारी को दिखाया गया, गांधारी अंधी थी नहीं लेकिन जानबूझ करके अंधी बनी हुई थी, आंखों में पट्टा बांध लिया था, तो क्या कहेंगे, कौन सी बुद्धि कहेंगे? पत्थर बुद्धि। तो कौन है पत्थर बुद्धि? पता गया है? आपको पता नहीं है? पता इसलिए नहीं कि बाबा पूछ ना दे बाबा, ये तो है दो सौ सोलह में, 216 में पक्का पक्का तो स्पष्ट तो अभी भी हो गया, इतना डिस्कशन हो रहा है कि पक्का नहीं हो रहा है? नहीं नहीं माया भी अकेली नहीं होती है, माया की भी ढेर सारी भुजाएं होती हैं, ऐसे नहीं कि एडवांस पार्टी में नहीं है, एडवांस पार्टी में भी ऐसे ऐसे हैं
जो समझते हैं कि ये विकारी है, फिर भी उनको मोह लग जाता है, नहीं बाबा के सामने पहुंच जाए बाबा की दृष्टि पड़ जाएगी, थोड़ा इनका कल्याण हो जाए, बजाय उनका कल्याण होने की तो अपना तो नुकसान हो गया। क्यों, वो नास्तिकों का बाप नहीं है? हाँ उनका पालन पूरा ही नास्तिक ही नास्तिक बनना पड़ता है। हाँ कितना होता है, कितना होता है, कितना टाइम? प्रजापिता के ग्रुप में अष्टदेव ही अष्टदेव होंगे और नष्टदेव नहीं होंगे, तीन कोई विनाशकारी होंगे कि नहीं? तो उनमें जो सबसे ज्यादा विनाशकारी होगा वो नास्तिक वर्ग का भी होगा। किससे होता है एटम बम? किस कौन बनाता है भाई? क्रिश्चियंस ही तो एटम बम बनाते हैं, और क्रिश्चियंस में भी दो तबके हैं, एक तो आस्था रखने वाले जो गिरजा के ऊपर, गिरजाघर के ऊपर, क्राइस्ट के ऊपर आस्था रखते हैं, और दूसरे एकदम आस्था रखते ही नहीं, कोई आस्था नहीं, कोई विश्वास नहीं, जो रशियंस हो गए वो भी तो क्रिश्चियंस ही है। तो किसने बनाए जो नास्तिक? अमेरिका ने नहीं बनाए, रशिया ने बनाए, जो नास्तिक है उन्होंने बनाए, बनाए उन्होंने, लेकिन अमेरिका उसमें आगे तो निकल जाता है। हैं प्रजापिता साकार में निराकार को याद करते हैं, नहीं तो निराकार को ही याद करते हैं। निराकार को याद करते हैं या निराकार को याद करते हैं? सिर्फ निराकार को याद करते हैं। लेकिन है ना, निराकार को याद, बाबा कहने से तेरी बुद्धि में बिंदु भी याद आएगा, याद आएगा। लेकिन ऐसा बीते वालों में भी ऐसा बिंदु को ही याद करते हैं ना? लेकिन वो बिंदु, बिंदु जो याद करते हैं बीके वाले, या बीके वाले जो आधारभूत आत्मा है उनमें जो दूसरे धर्म के आधारभूत हैं, या एडवांस में भी जो बीज रूप हैं और दूसरे धर्म के बीज रूप हैं, वो बिंदु, वो ये तो नहीं जानते कि बिंदु को कहाँ याद करते हैं। बिंदु तो याद करते हैं प्रजापिता, लेकिन बिंदु को कहाँ याद करते हैं? उतना तो ठीक है ना, जहाँ आत्मिक स्थिति, जहाँ आत्मा की याद है वहाँ बाप तो है ही है। तो सहज होगा या कठिन होगा? है शुरुआत कर दो। हाँ उसको जरूर सहज होता होगा, आत्मिक स्थिति में रहना सहज होता है। और डायरेक्ट ज्योति बिंदु शिव को परम धाम में याद करना ये कठिन होता है। वो कंपिल में कपिल मुनि का आश्रम है। हाँ जी। तो वहाँ एक हैं? वहाँ लोग बताते हैं कपिल मुनि का आश्रम। हाँ। तो क्या है? 16,000 जो पुरखे थे उनको साप दिया था, बस हो जाओ, तो बस हुए थे। तो साप देने का स्थान अलग है, फिर गंगा जी आई और उनको बहा ले गई और समुन्द्र में उनकी राख को डाल दिया, तो उनका कल्याण हो गया। तो का राख कहाँ गिरती है जाके? हैं? गंगा सागर में, गंगा सागर में कपिल मुनि की बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है, बड़ी मूर्ति दिखाई जाती है। तीन है ना, जो विनाश करे तो हो जाए, आप शुरू कर दीजिए, जो भी करे तो 12 आ जाए। कौन से पद पाते हैं? कौन सा पद पाते हैं? क्यों पद नहीं पाते त्रेता के अंत में?
त्रेता के तो तीन गतियां को मालिक नहीं बनते हो है? जो क्रिश्चियंस है वो आखिरी 200-300 वर्ष में दुनिया के ऊपर राज्य नहीं करते हैं। करते हैं तो उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगठन में फाउंडेशन पड़ता है।